मना एक चीज शर्रिय एक शक के शर्रिय गिंदगा गुलजर इमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस से तू का गुलजर इमाम अंगा बलूचिया गुलजार इमाम उती प्रेस कॉन्फ्रेंस से तू का बलूच राजी जुनजे वास्ता या रिस्पेक्ट अस्ता गुलजार इमाम अस्ते जानगा हा के आ बायदे ई जागहा ई मुकामा मबुत्ते गुलजार इमामी लब्ज गुलजार इमामी चम और गुलजार इमामी बाजे सवालानी जवाब ई गप्पा की शीनगाह था क्या अंगा सरपत भी के बलूच राजी जुन्स हक्के सराय आइया इनडायरेक्टली सकबास चीज होती मर्दुमाना सरपत करने की कोशिश को आइया पाजे सवालानी जवाब है तू का मारा ही सरपत करने की कोशिश को कि आ मजबूर है आ बेबस है आ बेहोश है माँ ये मजबूरी एहतराम कहीं माँ एक अपा ची सद्दक तू के गुलजार माँ में बड़े इंसानी सरेंडर कम से कम को द्रास तक आती है तो इसके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कहाँ से आ रही थी? वो जो करोड़ों अरबों रुपए थे वो कौन था? वो क्या कोई बलोच सपोर्ट दे रहे थे या बाहर से आ रहे थे? आप तो मेन आदमी थे जो इस मामले को सारा देख रहे थे, वो पैसा आता कहाँ से था? लेकिन मजीब भाई दुनिया में तो एक असूल है, जहाँ जंगें होती हैं जरूर हर मुल्क से मुफादात तो इंटरेस्ट होते हैं। जो तहरीकें हैं या जंगें हैं वो चलती हैं, उनके भी मुफादात और इंटरेस्ट होते हैं। तो ज़रूर इस तरह बलूच के बेस पे जो लड़ी जाने वाली जंग है, ज़रूर बलूच का जो जियोपॉलिटिकल हैसियत है, दुनिया की नज़रें तो हैं इस पे, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि ज़रूर बलूच को कहीं से ना कहीं से तो ज़रूर सपोर्ट मिल रहा होगा।